उन्होंने कहा कि संयम से ये पानी उनी कम पीजिए, बाकी सब ठीक है। पटना जाने का भी एक सप्ताह के बाद। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। नमस्कार, आप बिहारी शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। वो बाहर निकले हैं। बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है और बताया है कि वो कब पटना आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं अब देखिए। और फिर दो सप्ताह के बाद डॉक्टर साहब लोग बुलाए हैं चेकअप करने के लिए, और उन्होंने कहा कि संयम से ये पानी उनी कम पीजिए, बाकी सब ठीक है। पटना जाने का भी एक सप्ताह के बाद डॉक्टर जब आपको हाँ पूछ रहे हैं, सब पूछ के काम करेंगे। अभी आप ठीक हैं? हाँ अभी ठीक है। आप देश में बहुत माहौल चल रहा है आजकल, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है, लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी बहुत लोग बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं वहाँ भी। ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज है देश के लिए, बहुत खराब। इस पर राजद अब ए टू जेड की पार्टी बन रही है और इसको लेके युवाओं में और जनता में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव इसका शानदार एक तरीके से नेतृत्व भी कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप जो बोलिए वही कहेंगे। तो आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव बता रहे थे कि दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि एक दो सप्ताह में आप एक बार फिर आइए, उसके बाद आपका चेकअप किया जाएगा और चेकअप का जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद लालू प्रसाद यादव फैसला लेंगे कि वो पटना आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है। इसके अलावा लाउड स्पीकर के विवाद पर उन्होंने कहा कि जानबूझकर लोगों को इरिटेट किया जा रहा है ताकि लोग रिएक्ट करें और फिर दंगा फसाद हो। ये जो मामला है काफ़ी बुरा मामला है। ऐसे देश को बांटने की साजिश चल रही है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के जो चाहने वाले लोग हैं वो कितने दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव को सामने से देख पा रहे होंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता थे, उनका तबीयत खराब था, दिल्ली एम्स में इलाजरत थे। इस बीच उन्हें रांची हाईकोर्ट के तरफ से जमानत मिली है। तो जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद वो अपनी बेटी मीसा भारती के घर पे रहेंगे। उनके घर के लिए वो दिल्ली एम्स से रवाना हो गए हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। लालू प्रसाद यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।